कहते हैं एफएनएल इंडिया में मैं सौरभ राय भी मौजूद हूँ रांची के प्रतिष्ठित ग्रीन होराइजन होटल में। आप सोच रहे होंगे कि इस कोरोना काल में हम इस होटल में क्यों आए हैं, तो आप के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे भाज्यूमो द्वारा कोरोना संक्रमण परिवार के लिए खाना का पैकेट बनाया जा रहा है और यहीं से भाज्यूमो के युवा साथियों के द्वारा कोरोना संक्रमण फैमिली के बीच ये वितरण किया जाएगा। चलिए हम मौजूद भाज्यूमो के सदस्य से बात करता हूँ। खाने की जो पैकिंग हो रही है वो भी उसी में जा रहा है ना? ले लिए, शुरू में ले लिए। कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे झारखंड के वासियों को? देखिए, अभी जिस तरह का कोरोना महामारी वैश्विक महामारी चल रहा है, इसमें आप देखिएगा तो युवा पीढ़ी को ही जागरूक होकर आगे आना होगा। डर तो हम सभी लोगों को भी है, लेकिन आगे आने की तो ज़रूरत है, क्योंकि अपना भी रक्षा को देखते हुए हम लोग जो पिछले 15 दिनों से ये कार्य को कर रहे हैं, माननीय रांची के सांसद संजय सेठ जी के द्वारा ये पॉजिटिव पेशेंट जितने घर पे हैं अपने होम आइसोलेशन पे, उनके लिए हम लोग ये पैकेट लेकर के वॉलेंटियर के रूप में जाते हैं। उनका नंबर रहता है हम लोगों के पास, एड्रेस रहता है, उनको फ़ोन कर देते हैं और दूरी मेंटेन करते हुए उनके गेट पे भोजन को पहुंचाते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी तब आती है कि जब उसी घर से फ़ोन आता है वापस कि भैया आज हम लोगों सब कोई ठीक हो गया, हम लोग का रिपोर्ट निगेटिव आ गया, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों की मेहनत ने रंग लाई, हम लोग भी सफल हुए, तो बहुत खुशी होती है। और सभी युवा पीढ़ी से आग्रह भी करते हैं कि अपना ख्याल रखते हुए कृपया इस वैश्विक महामारी में आगे आए, एहतियात बरत रहे हैं आप लोग सेवा कर जब करने जा रहे हैं। देखिए, सेवा करते समय एहतियात यही बरत रहे हैं आप लोग कि जैसे जाते हैं तो गेट के सामने ही हम लोग भोजन को रखते हैं, वो लोग को बोलते हैं आप लोग भी अंदर रहिए, आप लोग भी सुरक्षित रहिए, हम लोग भी सुरक्षित रहें, आप लोग जितना दूरी में रहिएगा उतना अच्छा रहेगा, ताकि अभी जो महामारी चल रहा है हमको भी बचना है और आप लोग को भी बचना है, और आपको बचाने का भी हमारा जो नर सेवा नारायण सेवा का भाव है उसको जगाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हमेशा चलते रहे, इसलिए दूरी बना करके ही रखना है, मास्क लगा के ही रखना है, ये सब सारा चीज़ बोलते हैं हम लोग। ये माननीय सांसद रांची श्री संजय सेठ जी की योजना है कि जो कोरोना से संक्रमित हैं जो लोग जिनके परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को भोजन पैकेट पहुंचाने का काम सांसद महोदय ने इस योजना को तैयार किया और भोजन पैकेट पहुंचाने का की पूरी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने ली है। और कार्यकर्ता किसी भी संक्रमित परिवार में 10 दिनों तक भोजन हम पहुंचा रहे हैं, ऐसा होप है कि जो होम आइसोलेशन में है वो लोग 10 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। फिर भी कई बार ऐसा हो रहा है कि वो यदि ठीक नहीं हो पा रहे हैं या वीकनेस है और कोई दिक्कत है तो हम उनको 2-4-5 दिन और एक्सटेंशन दे रहे हैं, ठीक है 2-4-5 दिन तक और देंगे, लेकिन 10 दिनों तक ये सेवा दे रहे हैं। 15 तारीख से ये सेवा शुरू हुई है भोजन देने की, अभी तक हम लोग 4,000 से अधिक पैकेट भोजन घरों में पहुंचा चुके हैं, लगभग 350+ परिवारों के संपर्क में हैं, उनको उम्मीद दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, सबको शुभकामना दे रहे हैं जल्दी स्वस्थ होइए, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, कई जगह से लोग खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमको भोजन पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि रांची से बाहर से भी कॉल आ रहे हैं जिनके परिवार वाले यहाँ हैं, फंसे हुए हैं, कि पिताजी, सास ससुर, भैया भाभी, दीदी, ऐसे लोग कि वो वहाँ कोरोना से संक्रमित है, तो उसमें पुणे में, बेंगलोर में, मुंबई से, विदेशों से, दुबई, सिंगापुर तक से कॉल आए हमारे लोगों के पास और फिर हम लोग घर तक भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या आप लोग हॉस्पिटलों में पहुँचा रहे हैं कि सिर्फ आइसोलेशन घर में? नहीं, हम हॉस्पिटल में भोजन नहीं पहुँचा रहे हैं, सिर्फ जो होम आइसोलेशन में है घर में जो है, और उसमें भी एक शर्त हमने रखा है कि सिर्फ उन्हें ही दे रहे हैं जो संक्रमित है और कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, मतलब वो प्योर आराम की स्थिति में बहुत वीकनेस है, तो सिर्फ हम उन्हें ही भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं
अभी कम से कम इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समय है जब एक दूसरे की मदद करें। हम 25 लाख रुपए कमा ही लेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर बेच के, और कल को हम ही संक्रमित हो गए तो वो 25 लाख रुपए किस काम का है। तो अभी कम से कम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, धंधा वंधा बाद में चलता रहेगा जीवन भर। ट्विटर या फेसबुक पर जाएंगे तो वहाँ ये नंबर जारी किया हुआ है, हमने व्हाट्सएप का 3 नंबर जारी किया है। उसके लिए हमने ये मैंडेटरी रखा है कि जो भी कोविड पॉजिटिव हैं उनको खाना चाहिए, उनके कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पर चाहिए होगी। सबसे मैंडेटरी हमने यही रखा है, और रांची महानगर में ही हम ये सेवा उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत पैंडेमिक सिचुएशन है, रांची से बाहर जाना संभव नहीं है। हमारे पास भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, बहुत उत्साह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें भी देखना है, इसलिए रांची शहर में हम ये सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऑनलाइन डॉक्टर्स देख रहे हैं तो उनको कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट तो मिल रही होगी ना। ऑनलाइन डॉक्टर्स जिनको भी देख रहे हैं, यदि कोविड पॉजिटिव हैं तो रिपोर्ट तो होगी, उन्होंने जाँच करवाया होगा कहीं से, तो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम भोजन दे रहे हैं। काम पर लगे हुए हैं और लगभग 12 से 15 दिन इस काम को हो गया। सर, अभी आप युवा होने के नाते जो काला बाजारी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत, और आज के डेट में इंसान इंसान का काम नहीं आ रहा है, और वो दो पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे की जान को तो दाव पे लगा रहा है। जो मार्केट में स्टॉक है उसको भी काला बाजारी के रूप में अपना स्टॉक कर ले रहा मार्केट से उठा के, और उसको ज़्यादा दाम में बेच रहा है। कल ही आप देख रहे होंगे रेमडेसिविर का 25,000 रुपये में बेचा जा रहा है। कल ही न्यूज़ 11 ने इस पर एक स्टिंग करके 2-4 लोग को हिरासत में दिलवाने का काम किया। इस प्रकार से भाजयुमो रांची महानगर द्वारा लोगों के बीच सेवा कार्य दिया जा रहा है। यहाँ पे युवा वर्गों का यही कहना है कि जो अभी हाल में कालाबाजारी हो रही है, इससे उठकर ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे SNS इंडिया रिपोर्टर सरब राय के साथ, कैमरा पर्सन प्रियंका।